करते हैं इसे, क्या क्या इनकम और किन किन चीजों को लेकर इनकम इनमें होती है, क्या क्या हम बेच सकते हैं, तो थोड़ा दिखाते हुए बताइए क्या क्या बिकता है इसमें। बिल्कुल, अब 4-5 तरह का उत्पाद होता है इसमें। बिल्कुल, हमें बता दीजिएगा विस्तार से ये क्या क्या बिकता है, मधुमक्खी पालक किस किस चीज से इनकम उठाते हैं। हम दिखा लीजिए, थोड़ा सा कैमरा लेगा इसमें। सबसे पहले तो ज्यादातर किसान जो होते हैं वो शहद के लिए काम करते हैं, और सबसे पहले सबसे आसान जो तरीका है वो शहद का ही है। शहद का, इसमें शहद, रघुवीर जी थोड़ा बता दिए कैमरे में, अभी अभी निकाल के हमारे भाई दिखाएंगे। ये शहद भरी हुई है, ये दिखाई दे रही ना। हाँ, कैमरे में दिखाइएगा थोड़ा। आधे खंड में इसमें शहद रहती है, जहाँ से दिखाई दे रहा है। अच्छा, आधा खंड है ये शहद वाला, ये आधा खंड होता है, आधे खंड होता है इसका मल होता है। हाँ हाँ, यहाँ जो है जो लोगों की एक भ्रांति है कि मल इसमें है, तो मल तो यहाँ रखा ही नहीं जा सकता। नहीं नहीं, मल बिल्कुल होता ही नहीं इसमें। देखो जी, शहद सब्जी चमक रही, सब्जी सबसे ये देख रहे होंगे, ये रानी है काफी, ना ये रानी है, ये अगली साल वाली रानी है। अच्छा, ये पुरानी रानी है जो सभी श्रमिकों से बड़ी है। हाँ हाँ, ये चल रही पुरानी रानी है ये। ठीक है, तो पहली तो शहद हो गई। दूसरा इसके मोम होता है। मोम है इसमें सेगमेंट दिख रहा है। मोम जी ही तो ये मोम, ये अच्छा ये मोम है, ये मोम, अच्छा ये मोम है। ये देखिए, जो शहद का निकालते हैं बाद में वो छीलन छालन, इसी का मोम बनता है, उसी का मोम बनता है। दो तरह का उत्पाद हो गया, और तीसरा हो गया इसका पोलन। पोलन भी दिखा दीजिए, आपने दिखाया था पहले। पोलन क्योंकि दिख रहा था इसमें, बॉक्सों में दिख रहा था। हाँ दिखाइए, कुछ बॉक्सों में पोलन दिखा है। हाँ, पीला पीला जो पीला है वो इसमें तो चूंकि ब्रोड है, आपने जो एक बॉक्स दिखाया था उसमें पोलन। ये देखिए, ये पीला पीला दिख रहा है, ये पोलन, ये पोलन है। अगर ये एकत्र किया जाए पोलन, दिखा दिए थोड़ा, कैमरे अभी आया नहीं होगा। देखो, ये देखिए पोलन, ये पीला पीला जो है वो पोलन है। हाँ हाँ, इसको भी हम जब हम लोगों के पास टाइम रहता है तो हम एकत्र कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 50-60 पोलेंट्रो भी हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए होता क्या है कि हमें सुबह लगाना होता है और शाम को इनको कलेक्ट करना होता है। हाँ, क्योंकि ये एक दिन में ही जो ट्रे होता है लगभग 250 से 300 ग्राम, 500 होती है। हाँ, तो 250 से 300 ग्राम पोलेन एक दिन में हो जाता है, एक बॉक्स से। कमाल है, और कितना जाता, कितना है ये? 250-300 रुपए मिनिमम बिक जाता है। और अगर जिनका जो चूंकि जो अच्छे स्वयं जिनकी लिंकेज है, ये 400 से 500 रुपए तक बेचते हैं। 400 से 500 रुपए तक, जिनकी जिनकी डायरेक्टली जो कंपनियां इसका यूज करती हैं उनसे लिंकेज है, तो वो ज्यादा महंगा बेच लेते हैं। लेकिन अभी तो हम लोगों ने यहाँ शुरुआत की है, थोड़ा सा कुछ जाना है, और हम इस पे बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा करने वाले हैं सब। और जैसे इसका माइग्रेशन का है, तो इस बार शुरुआत की, भाई हमारे अलीगढ़ गए, एटा गए, ये सारी चीज़ें बताएंगे। बिल्कुल, हम इसका माइग्रेशन यहाँ से पहले फर्रुखाबाद ले गए इसको। अच्छा, मक्का जो होता है पोलन के लिए, मक्का चाहिए इसको, वहाँ पे पोलन चलता रहा पूरे गर्मी में बार। इसके बाद जैसे सितंबर अक्टूबर आया तो नहीं, वहाँ केवल मुख्य इनकम पोलन से हुई आपकी। बस इसी का पोलन होता, शहद ज्यादा नहीं बनती है। पोलन गर्मी भर पोलन चलता है इसमें, गर्मी में पोलन चलता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि यदि पोलन नहीं मिल रहा तो बच्चे टूट जाएंगे, वो उतनी नहीं मतलब पैदावार रानी करेगी अगर पोलन नहीं मिलेगा। पोलन के लिए तो वो अंडे बच्चे होते उसकी ऊपर जो लगाती है ना उसी की ये होते है, इसलिए पोलन आवश्यकता हमें पोलन। जब तक पोलन नहीं मिलेगा भाई साहब, तो समझ लो कि बस छत्ता आपका कमजोर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मधुमक्खियाँ खाती, एक तो शहद खाती है और दूसरा क्या खाती है, पोलन भी खाती है। पोलन नहीं खाती, वो एकत्र एकत्र करती है बच्चों के लिए, मतलब जो ऊपर से मतलब ब्रूड होते हैं जो उनको ओलार और ब्रूडों को बंद करने के लिए लगता है। अच्छा, उसके लिए पोलन लगता है, इसीलिए होता है पोलन। और हम जो है अपने बच्चों को भी इसका यूज करा सकते हैं, आधी खिला सकते। हाँ हाँ, अगर दूध के साथ हम अपने बच्चों को पोलन आधी चम्मच, प्रोटीन पाई जाती सबसे, इसमें सबसे अच्छी प्रोटीन हम अपने बच्चों को भी जो खिलाते हैं। कमाल है। हम आपको बता, बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो पिल्स बनाती हैं, वो पिल्स बहुत महंगी बेचती है पोलन वाली। अब हम लोग जो है एफपीओ के थ्रू भी जब यहाँ हमारा काम शुरू हो जाएगा, तो इसके सारे उत्पाद हम बुंदेलखंड के नाम से ऑर्गेनिक के तरीके से, ये सारी चीज, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ शुरुआत की है, 2-3 साल से काम किया है, कुछ लोगों को, नए लोगों को हमने जोड़ा हुआ है। तो अब हम चाहेंगे कि और भी लोग हमारे साथ आएंगे, गवर्नमेंट भी हमारे साथ काम करेंगे, हम एफपीओ से मिलकर
के, जिस तरीके से हमारा एक बुंदेलखंड मेडिसन का हब हो गया, तो हम चाह रहे हैं कि मेडिसन में इसको भी जोड़ के हमारा बुंदेलखंड के जो प्रोडक्ट हैं वो इंडिया के उन अच्छे जो है मॉलों में दिया जाए, अच्छा पैसा यहाँ के लोगों को दिया जाए, क्योंकि हम सबसे हटके, क्योंकि जो हमारा बुंदेलखंड है वो प्रकृति में सबसे हटके ही है, यहाँ जो है सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, यहाँ का किसान जो है पेस्टिसाइड से डरता है, आज जो हिंदुस्तान में जो टुकड़ा बचा हुआ है वो तो शायद मेरी चांद समझते है कि वो बुंदेलखंड है, कि जहाँ किसान पेस्टिसाइड डालने से डरता है, बाकी इंडिया में शायद सब जगह पेस्टिसाइड का उपयोग होने लगा। बिल्कुल, चलिए दो चीज़ें तो बता चुके, शहद बता चुके, पोलन बता चुके, तीसरी मोम हो गई, उसके बाद दो चीज़ें कौन सी? हाँ, एक तो जहर होता है, जहर जो है अर्थराइटिस के काम आता है, हाँ जहर जो है अर्थराइटिस में, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी संख्या में बॉक्सों की ज़रूरत होती है, कम से कम 700 से 800 अगर हम बॉक्स लगा लेते हैं तो उस समय हम जहर निकालने के कंडीशन में होती है, और जो निकालते हैं, जो फार्मर से ये किसान निकालता है, तो उनके या तो हम इस तरीके से काम करते हैं, जैसे इनके पास 100 बॉक्स हो गए, दूसरे के पास 100 बॉक्स हो गए, तो हम लोग एक इकट्ठा लगा लेते हैं, और होता क्या है कि हमने प्लेट रखी और मक्खी वहाँ गई, उसके ऊपर डंक मारा, डंक जहर जैसे ही जाता उसको एकदम करंट लगता है तो डंक लगा देती है, और उनका जहर वो जाके जो हमारा कांच का शीशा होता है उस पर छोड़ देती है, और मक्खी बाहर निकल जाती है, वो जहर कलेक्ट हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और इसका जो है सारा हमने जो हमें जो जानकारी मिली है कि जो ये अर्थराइटिस में ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसकी कॉस्ट और बता दीजिए, हाँ, कितना बिकता है? जो बताया गया है 70,000 रुपए पर शायद ML है, 70,000 रुपए से ऊपर ML, कई गुना ऊपर है, लेकिन इसका निकालना थोड़ा सा कठिन है, बहुत। और इसी तरीके से इस और आपका जो रॉयल जली है, रॉयल जली के ऊपर शायद हमने अभी चर्चा नहीं की है, विस्तार से बता दीजिएगा आप ऑडियंस को जो है रॉयल जली, क्योंकि अधिकतर दिखा भी दीजिए, दोबारा दिखा दीजिए, हाँ वो चूंकि आपने दिखाया था, इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए रॉयल जली के बारे में। रॉयल जली अधिकतर होता क्या है कि ये फरवरी के महीने में जो टाइम हमारा चल रहा है और उस टाइम पे अक्टूबर के महीने में दो महीने में निकाली जाती है, और ये फरवरी में अधिक मात्रा में निकाली जा सकती है। इसके लिए भी एक मशीन होती है, क्योंकि हर जो बॉक्स होते हैं उसमें इस टाइम पे चार चार पांच पांच मक्के सेल बना लेती हैं, और मशीन से हम लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं, एक इसकी मशीन आती है, और या अगर हम चाहें और इसको इंजेक्शन से, जो अपना इंजेक्शन होता है उस तरीके से सरोखने वाला, क्योंकि वो अंडा अलग बच जाता है और रॉयल जली हम उससे निकाल लेते हैं। हाँ, तो और ये रॉयल जली निकालने का तरीका, और दूसरी स्टोरेज करने का भी चाहिए है, ये सारी चीज़ें हैं, जब हम बड़े लाज पे करना जिस दिन हम शुरुआत कर देंगे ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। रॉयल जली बिकती कैसी है रघुवीर जी, क्या काम होता है रॉयल जली? वैसे तो लोगों जो कंपनियां हैं, जो सेक्स वर्धक कंपनियां हैं वो भी लेती हैं, जिन जिन लोगों को कमजोरी है, ये सारी चीज़ें पूरा मेडिसन के जो कंपनियां काम फार्म वगैरह जो काम करती हैं उस पे यूज किया जाता है, और वो इस बहुत कम क्वांटिटी में ही इसका यूज किया जाता है। अभी मैंने इसका एक यूज किया हुआ है, एक हमारे मित्र हैं मधुमक्खी पालक ही, मुझे सोराइसिस का रोग था, अच्छा रॉयल जली और तमाम सारी चीज़ें बना के, अच्छा हाँ, मैं सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं करीब 2-3 लाख रुपए लगा चुका, अच्छा और सोराइसिस मेरा ठीक नहीं हो रहा, अच्छा था। हाँ ये रॉयल जली, ये रॉयल जली है, हाँ हाँ, बहुत कम मात्रा में निकलती, बहुत कम, मतलब हाँ 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 बिल्कुल ये रॉयल जली है, हाँ इसका टेस्ट भी बहुत कम होता है, अगर आप चाहें तो हम कमाल, एक आदमी कितना ले सकता है, कितने में कोई समस्या नहीं होगी? बस इसको बहुत थोड़ा सा लिया जाता है, मटर के दाने जितना ले सकता है? नहीं, गेहूं के दाने, गेहूं के दाने, हाँ खाने में टेस्टी नहीं होती, अगर हम आपको खिलाएं तो नहीं खाएंगे वो, चलिए हम खाएंगे, अच्छा, उसके बाद शहद भी तैयार, हमें लगता है शहद भी यहाँ से वो मीठा करके भी जाएंगे, जी, 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 तो हम इसे भी चखेंगे रॉयल जेली को, एक काम करो आप, हाँ थोड़ा आप शहद निकाल दीजिएगा आप जो है, और आपको दिखाते हैं शहद आगे निकलती कैसे है।